गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, लेसन टेन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना रिमेनिंग चैप्टर। देन आई सेट डाउन ऑन अ बिग चेयर एंड यूज द टेबल एज बैरिकेड। आई सेट देयर वेटिंग इन सॉलिट्यूड। आई एडमिट आई ग्रेजुअली बिकेम इंक्रीजिंगली conscious of the shadows dancing across the room. I felt an odd sensations of something, maybe a presence lurking around. I was soon nervous. Suddenly at midnight two candles blew out. I dashed to relight them. Then two more extinguished at the end of the room. इस स्टेंजा में देखिए स्टूडेंट्स, देन आई सेट, मैं अब एक बड़ी कुर्सी पर बैठ गया और मैंने टेबल को लगा दिया, और जो चेयर थी बैरिकेड का काम कर रही थी, मतलब कोई बैरिकेड मीनिंग कोई सामने से आए तो नज़र आए कौन आ रहा है तो मैं उसको देख सकूं। मैं उस अकेलेपन में बैठ गया, और वेट करने लगा। धीरे धीरे मैं खुद अपने आप को समझ रहा था। मैंने एक शेडो देखी, सेंसेशन ऑफ समथिंग मे बी ए प्रेजेंस, शेडो डांसिंग अक्रॉस द रूम। मैंने एक शेडो देखी और उसके बारे में सोचा कि रूम के बाहर जो शेडो है, जो छाया है, वो डांस कर रही थी। मैं उसके बारे में सोच रहा था, सोचने लगा। उसी समय मुझे एक अजीब तरह की फीलिंग आने लगी। क्या फीलिंग थी वो? मुझे लगा कि कोई छुपा हुआ है। लर्किंग मीन्स मैंने छुपा हुआ। मैं थोड़ा नर्वस था। अचानक बत्तियाँ बुझ गई और मैं दौड़ा। मैंने उनको क्या किया, फिर से जलाया। आई डैश टू रीलाइट देम, देन टू मोर एक्सटिंग्विश्ड एट द एंड ऑफ द रूम। और फिर आगे देखा कि और भी मोमबत्तियाँ बुझ गई जो कि रूम के एंड में थी। आई थॉट टू माई सेल्फ, आई मस्ट हैव डन दैट माई सेल्फ इन माई हरी टू लाइट एंड द अदर। आई डेटेड टू लाइट दोज टू, बट ओनली टू हैव मोर कैंडल्स डाइंग ऑफ एज इफ देवर क्रश्ड बाय समबडी हैंड्स। मैंने सोचा कि दौड़ कर जाकर इन मोमबत्तियों को फिर से क्या कर दूँ, जला दूँ। मैं दौड़ कर गया। मैंने कोशिश भी की, कि मैं जला दूँ। कैंडल ऐसे बुझ रही थी कि जैसे कोई उनको क्या कर रहा हो, क्रश कर रहा हो, मतलब उनको कुचल रहा हो अपने हाथों से। स्टडी आई कम्फर्टेड माई सेल्फ, हाउ एवर मस्ट टू माई ग्रोइंग एप्रीहेंशन द कैंडल इन माई ऑन हैंड ब्लू ऑफ। शेकन आई थॉट ऑफ द फायर प्लेस एंड फेल्ट ग्रेटफुल फॉर द कॉन्स्टेंट लाइट, बट मस्ट टू माई हॉरर दैट वेरी मोमेंट द फ्लेम्स dwindled and vanished. Not able to bear it any longer, I ran across the room towards the door in order to get out of the room. I thought I found the door, but I tripped over first my chair and then the bed. Half out of my mind and crying out aloud, I tried running. My last memory was of being hit by something and then falling into deep sleep. उसके बाद क्या था, मैंने अपने आप को संभाला। स्टडीली आई कम्फर्टेड माई सेल्फ, हिम्मत दिया मैंने। अंदर से थोड़ा डरा हुआ था मैं, अंदर से डर भरा हुआ था, लेकिन डर मेरे ऊपर हावी नहीं था। जब मैंने अपने हाथों में पकड़ी हुई कैंडल बुझ गई, तभी उस मुझे थोड़ा डर हुआ। मैंने उसे फायरप्लेस के सामने, फायरप्लेस के बारे में सोचा जब पहले से रूम में जल रहा था। मैं उस फायरप्लेस को कुछ धन्यवाद किया। क्या किया मैंने उस फायरप्लेस को क्या किया कुछ धन्यवाद किया। चलो फिर एक फायर ओ तो जल रहा है, अच्छे से अब मेरा